हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डिजाइन टू फ्यूचर। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड के अंदर ड्राफ्टिंग सेटिंग के कुछ टूल्स के बारे में जानने की। ये ड्राफ्टिंग सेटिंग होता क्या है? बेसिकली ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में ऑटोकैड की काफ़ी सारी सेटिंग्स को हम मोनेटाइज करते हैं, इसको काफ़ी सारी सेटिंग्स को हम एडजस्ट करते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर को ऑटोकैड को रीसेट कर दिया तो उसके अंदर कई सारे चेंजेस हो जाते हैं जिसको आप समझ नहीं पाते कि ये इसके वजह से हमारे और भी टूल्स क्यों इफेक्ट हो गए। जैसे कई बार होता है कि आप लाइन ड्रॉ करते हो तो लाइन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही ट्रेस हो पाती है, ठीक है, लाइन स्मूथली नहीं चल पाती है, या बैकग्राउंड में कुछ हैचिंग बन के आ जाते हैं, लाइन्स ड्रॉ हो जाती हैं बैकग्राउंड में, ठीक है, ग्रिड्स बन जाते हैं, उनको सेट कैसे करते हैं या फिर एडजस्ट कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम आज जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो यहाँ पे हम ड्राफ्टिंग सेटिंग के कमांड को ओपन करेंगे। ड्राफ्टिंग सेटिंग का हमारा जो टूल है, जो कमांड है, डी एस एंटर आप एंटर करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ड्राफ्टिंग सेटिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं डायलॉग बॉक्स हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा स्नैप एंड ग्रिड, फिर दूसरा है पोलर ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप, ऐसे ही बहुत सारे हमारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। लेकिन आज के टॉपिक में हम स्नैप एंड ग्रिड को कवर करेंगे। तो स्नैप एंड ग्रिड आप देख रहे हैं, जैसे हमने स्नैप एंड ग्रिड पे यहाँ पे इसका शॉर्ट की है F9, यहाँ पे देख रहे हैं हम F9 की हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो भी ऑन ऑफ हो जाएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो भी ऑन हो जाएगा। यहाँ पे स्नैप एक्स स्पेसिंग और वाई स्पेसिंग दे रखा है, ठीक है। एक्स स्पेसिंग मतलब कि स्नैप में होता है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। स्नैप में जब हम ऑन कर देंगे तो लाइन हमारी, सपोज मुझे लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे मैंने एक्स में डाल दिया 15, ठीक है, तो अब हमारी लाइन एक्स एक्स एक्सिस पे, एक्स डायरेक्शन में 15 के डिस्टेंस पे ही चलेगी, यानी 0 से 15 तक ही जाएगी। मैं ले जाना चाहूँ 0 से 10, 12, 7, 8 तो नहीं जाएगी, वो 15 पे ही जाएगी और 15 के मल्टीपल पे जाएगी, मतलब 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60, ऐसे करके चलेंगे हमारी। सेम वही वाई स्पेसिंग है, ठीक है, इसको यहाँ पे इक्वल का ऑप्शन है, मतलब अगर मैं यहाँ पे 20 डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली नीचे में भी 20 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल हो जाएगा। इसको अनचेक कर दूंगा तो फिर मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाल सकता हूँ। 10 डाला यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया 15, ओके, इसको किया हमने। अब मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये देखो हमारा कर्सर, हमारा एक्स एक्सिस में 10, वाई एक्सिस में 15, 10 15 10 15, 0 से 15 के बीच या 10 के बीच में हमारा नहीं चलेगा, मतलब उसके अंदर नहीं चलेगा, उसके मल्टीपल में चलता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम इस तरीके से स्नैप यूज कर सकते हैं। आप कंप्यूटर को रीसेट करते हो, सॉरी ऑटोकैड को रीसेट करते हो तो कई बार ये ऑप्शंस चेक हुए मिलते हैं, मतलब ऑन हुए मिलते हैं, जिससे आपको लगता है कि ये लाइन हमारी स्मूथली क्यों नहीं चल रही है, तो आप डी एस एंटर करके डायरेक्टली यहाँ पे इसको अनचेक कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपको लाइन को पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चलाना है तो आप इसको अनचेक करके, मतलब ऑन करके, आप जो भी डिस्टेंस पे चलानी है लाइन को, आप वो वैल्यू फीड करके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका एप्लीकेशन जो है प्लॉट डिज़ाइन या फिर किसी प्लांट का लेआउट डिज़ाइन, किसी घर का लेआउट डिज़ाइन करना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे डायमेंशंस तो फिक्स होते हैं, ठीक है। आपको सपोज लाइन पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही चलानी हो तो आप वो वैल्यू फीड करके डाल सकते हो। इसका बेनिफिट ये कि बार बार आपको वैल्यू फीड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। आपको पता रहता है कि अगर मुझे 150 चलना है तो मैं लाइन, अगर मैं 50 वैल्यू फीड कर रखा हूँ एक्स स्पेस और वाई स्पेस में, तो मुझे 5 बार चलना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 3 बार मुझे 150 चल दिया, 150 चलना है तो 50 की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्पेस में फीड कर दिया, तो आपको 3 बार चलना पड़ेगा, ठीक है। बस कर्सर को 3 बार मूव करो, आप लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो स्नैप यहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं और इस तरीके से स्नैप को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा ग्रिड, ठीक है, स्नैप अभी मैं ऑफ करता हूँ। दूसरा है हमारा ग्रिड, इसका शॉर्ट की है F7, ठीक है, F7 क्लिक प्रेस करके आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। F7 ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, या फिर यहाँ पर चेकबॉक्स में क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है, मैंने इसे ऑन किया। एक्स स्पेस में इसकी भी वैल्यू दे रखा है 15, वाई स्पेस में हमने डाल दिया 20, ठीक है। सपोज मैं 10 डालता हूँ और यहाँ पे 15 डाल देता हूँ मैं, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हमने ओके कर दिया। यहाँ पे जो बीच गैप, जो हैचिंग बन के आ रही है, जो लाइंस बन के आ रही है चेक टाइप की, वो हमारी
कहलाती हैं ग्रिड, ठीक है। लाइंस जो बैकग्राउंड में हैं वो ग्रिड्स कहलाती हैं। अब देखो, अब ग्रिड्स का बस यही है कि जो बैकग्राउंड में हमारे जो शेप्स लाइंस बन के आ रही हैं वो ग्रिड कहलाएंगे हमारी। ग्रिड का यूज़ स्नैप के साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने डी एस एंटर किया, यहाँ पे हमने स्नैप भी ऑन कर दी, स्नैप में भी 10 और 15 वैल्यू है और ग्रिड में भी सेम वैल्यू होनी चाहिए अगर आपको दोनों साथ यूज़ करना है तो। और ओके किया हमने और यहाँ पे लाइन लिया। अब हमारी देखो लाइन जो है ग्रिड टू ग्रिड चलेंगी, क्योंकि स्नैप और ग्रिड सेम वैल्यू पे है तो लाइन हमारी उस पर्टिकुलर ग्रिड टू ग्रिड चलेंगे। इस दोनों को साथ में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले, ट्रेस होता रहे कि लाइन हमारी कहाँ से कहाँ तक चल रही है, ठीक है, इस तरीके से। ओके ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रिड को यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियोस में आपको समझ में आ गया होगा कि स्नैप और ग्रिड कैसे ऑन ऑफ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इनका क्या एप्लीकेशन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियोस को जानने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। थैंक यू।